अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको हंसता बसता मुस्कुराता और खुशहाल रखे, आमीन। तो जनाब, आज आपके लिए ऑर्गेन्जा पैचेस वाली स्लीव्स की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। ईद में थोड़े से ही दिन रह गए हैं, मेरी जिन बहनों ने अभी तक सूट स्टिच नहीं करवाया और वो ऐसे ही कोई स्लीव्स बनवाना चाहती हैं, तो जल्दी से ये वीडियो देखिए और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए ऐसी ही स्लीव्स बनवा लीजिए ताकि आपका सूट भी डिज़ाइनर सूट जैसी लुक दे दे। तो जनाब, इसमें लेस के साथ और ऑर्गेन्जा पैच के साथ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से ऑर्गेन्जा पैच पर एंकर थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लगा के, तो प्यारी लग रही है। इस तरह से थोड़ी चेंज लुक आ जाती है, तो इसी तरह से हम भी अपने सूट पर बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो जनाब, अगर आपने शर्ट को लॉन्ग करना है तो उसके लिए भी, और अगर आपकी स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है और आपके बाजू पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह से ऑर्गेन्जा पैच जॉइंट लेस के साथ लगा कर अपनी स्लीव्स की लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितनी प्यारी प्यारी कंट्रास्ट में हैं, और ऊपर साथ में पर्ल्स लगा दिए गए हैं। ये वाला बहुत प्यारा है, ग्रीन पैच लगा के ऊपर गोटा पट्टी की बारीक वाली पट्टियाँ लगवा के बहुत प्यारी लगती है। इस तरह से चाहे हम बाकी सूट पर डिज़ाइनिंग करें ना करें, अगर स्लीव्स पर भी ऐसी डिज़ाइनिंग कर ली जाए तो सूट में जान पड़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।